एंड एक डिपार्टमेंट में रॉयल एनफील्ड को कोई भी कंपनी इस सेगमेंट में एटलीस्ट बीट नहीं कर सकती, वो है इस बाइक में। मुझे अभी देख के एज ए फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लग रहा है कि तीन चीज़ें अगर इसमें होती तो ये बाइक थोड़ी और बेटर फील होती। आई फील कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है ना थोड़ा सा ज़्यादा है। आप सुनाते हैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट किया। सो पेशे खिदमत है ऑल न्यू इंटरसेप्टर BS 650 विच इज क्रैम वर्जन ऑफ इंटरसेप्टर 650। फर्स्ट थिंग मैं जो बोलूंगा लुक्स के बारे में, लुक्स आर इम्प्रेसिव, बाइक लुक्स बिगर, बाइक बड़ी लगती है। और अपने लास्ट लद्दाख ट्रिप पे जो कि मैंने किया एक स्क्रैम्बलर बाइक पे विच इज ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, उस ट्रिप पे मैंने GT 650 राइड करी एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। उससे पहले मैंने लद्दाख ट्रिप पे इंटरसेप्टर 650 राइड की थी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। इंटरसेप्टर की जो लो एंड परफॉर्मेंस है, जो मिड एंड परफॉर्मेंस है, जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है, उसमें मतलब कहीं भी आपको लैग फील नहीं होता, आपको एक लीनियर टॉक मिलता है, बट परफॉर्मेंस इज जस्ट ऑसम। बट जब मैं उस बाइक को इंटरसेप्टर को रफ पैचेस पे, ऑफ रोडिंग वाले पैचेस पे लेके गया, देन आई रियलाइज कि हाँ यार ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी नहीं है, काश इसमें जो है सस्पेंशन थोड़े बेटर होते। बट ठीक है यार, इंटरसेप्टर में ये चीज़ एक्सपेक्ट करना सही नहीं है कि आपको ऑफ रोडिंग पे जो है अच्छी परफॉर्मेंस मिले। एंड एक स्क्रैम्बलर बाइक, चाहे वो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X हो या फिर आपकी BS 650 हो, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक्स होती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मल्टीपर्पज है, आपकी रिक्वायरमेंट है आपको सिटी में राइड करनी है, आपको हाईवे पर राइड करनी है, आपको पहाड़ों पर राइड करनी है, माउंटेंस पर राइड करनी है, लद्दाख करना है, स्पीति करना है, हर टेरेन को इफेक्टिवली हैंडल करने में ये बाइक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं। इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये जो बाइक है BS 650, ये क्या प्रॉपर एक स्क्रैम्बलर बाइक है, मतलब जो इसमें फीचर्स मिलते हैं आपको, जो चेंजेस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर बाइक है जैसे कि ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर, या फिर ये एक बेटर सस्पेंशन वाली इंटरसेप्टर है। सो हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं व्लॉग जो है रात को शूट कर रहा हूँ, इस टाइम अंधेरा हो चुका है बाहर, बट आप मॉर्निंग में देख रहे होगे तो इसलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स की। लुक्स बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, बट आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड जो इस बाइक के लुक्स हैं। फर्स्ट लुक में यू विल गेट इन लव विद दिस बाइक, अमेजिंग लुक है। एंड बात करें इस बाइक की फिट एंड फिनिश की, तो यार नो डाउट इस बाइक की जो फिट एंड फिनिश है वो मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें जैसे ये पेंट क्वालिटी हो गई, ये ब्लैक क्रोम में है, ये आपका मैट में है, एंड इसमें जो आपकी पेंट की क्वालिटी है, यहाँ पर जो पेंट की क्वालिटी है, सीट की स्टिचिंग है, एवरीथिंग इज़ लुकिंग प्रीमियम। मतलब प्रॉपरली जो आपको शॉटगन में मिल रही है ना फिट एंड फिनिश बिल्ड क्वालिटी, वैसे ही आपको फील हो रही है। एंड ये जो स्विच गियर्स हैं सेम दिख रहे हैं आपको, जो आपको मिलते हैं शॉटगन में एंड आपकी सुपर मेटियोर में, बहुत ही प्रीमियम वाली फीलिंग आ रही है। एंड ये जो ग्रिप है, दिस इज़ नाइस टू होल्ड। मिरर्स जो है इसमें, ये टूरिंग मिरर्स लगा रखे हैं। एंड ये जो आपको एक्स्ट्रा बार मिल रही है हैंडल बार के साथ में, दिस गिव प्रॉपर स्क्रैम्बलर लुक। एंड एक बात तो है यार, कुछ सालों में ना, लास्ट कुछ सालों में रॉयल एनफील्ड ने अपने प्रोडक्ट्स में जो है फिट एंड फिनिश बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी इंप्रूव कर ली है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपनी स्क्रैम से, अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर से, तो मैं बोलूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर है स्क्रैम्बलर की बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश जो है। लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन देखते हो या फिर इसको आप पुराने जो आरी के प्रोडक्ट हैं उनसे कंपेयर करते हो, तो फिट एंड फिनिश जो है बहुत ही बढ़िया है इस बाइक की। एंड बात करें इंजन की, तो आपको सेम मिलता है इसमें आपको ट्विन सिलेंडर का 650cc का, एग्जैक्टली 648cc का ऑयल कूल्ड इंजन। लेकिन ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 8% ऑफ एक्स्ट्रा टॉर्क, 4 Nm ऑफ एक्स्ट्रा टॉर्क। इसमें आपको जो एग्जॉस्ट मिलता है, ड्यूअल एग्जॉस्ट का सेटअप नहीं मिलता। आई नो कुछ लोगों के लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट फिजिकली देख के ना जो सिंगल एग्जॉस्ट का सेटअप है ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी मतलब बल्कि यूनिट है ये। एग्जॉस्ट नोट कैसा है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी आपको मिलते हैं 19 इंच के टायर फ्रंट में एंड 17 इंच के रियर में, जो आपको सेम मिलते हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर में। अगर बात करें इंटरसेप्टर की, तो उसमें आपको मिलते हैं 18 इंच फ्रंट एंड रियर, तो टायर का चेंजेस है एंड जो टायर का टाइप है वो भी चेंज हो गया है। इस बार आपको मिलते हैं ड्यूअल पर्पज़ टायर विच आर गुड फॉर ऑफ रोड एंड रोड ऑल्सो। लेकिन आपको इसमें जो है अलॉय व्हील नहीं मिलते, आपको जो है इसमें स्पोक्स व्हील मिलते हैं। एंड एक ऐसी बाइक के लिए जो रफ पैचेस के लिए बनी है स्क्रैम्बलर बाइक, उसमें जो है स्पोक व्हील्स जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। एंड आई विश कि इसमें अलॉय व्हील्स का जो है वर्जन आता है, इसमें ऑप्शन मिलती है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सस्पेंशन की। ये एक जो है मेजर चेंज है कंपेयर टू इंटरसेप्टर। इसमें आपको मिलते हैं USD फॉक्स फ्रंट में एंड रियर में मिलते हैं आपको वही ड्यूअल स्प्रिंग का सेटअप। आई विश यहाँ आपको मोनोशॉक मिलते तो वो थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव होते, लेकिन ये जो दोनों सस्पेंशन हैं ये हैं शोवा की यूनिट है, रियर में भी फ्रंट में भी। एंड इनका जो ट्रैवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गया है कंपेयर टू इंटरसेप्टर। अभी आपको फ्रंट में मिलते हैं इसमें 130 mm का ट्रैवल
एंड रियर में मिलता है आपको 115 mm का ट्रेवल, जो कि ऑलमोस्ट 20% एक्स्ट्रा है कंपेयर टू इंटरसेप्टर 650। लेकिन कंपेयर करें ट्रायम्स कैमर से तो उससे जो है अभी भी कम है, उसमें आपको मिलता है 150 mm का ट्रेवल फ्रंट में एंड रियर में। अब एक स्क्रैम बाइक की बात करें तो एक जो स्क्रैम बाइक होती है वो एक लाइट बाइक होती है जिसमें आपको बेटर सस्पेंशन मिलते हैं, आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एंड सिटी में हाईवे पे माउंटेन्स पे बहुत ही इफेक्टिवली जो है परफॉर्म करती है। इस बाइक का वेट कंपेयर टू इंटरसेप्टर ऑलमोस्ट 2 kg जो है कम हुआ है। आई विश कि वेट थोड़ा और कम होता, बट ठीक है, देखेंगे चला के इस बाइक को कि वेट जो है इसका वो कितना आपको फील होता है या नहीं फील होता। बाइक की अगर लेंथ की बात करें या फिर आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, दोनों ही इंक्रीज हुई हैं। यू कैन से इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मुझे लग रही है क्लोज टू आई थिंक 180-184 mm एग्जैक्टली कितनी है मैं डाल दूंगा यहाँ पर। एंड बाइक का जो व्हील बेस है वो भी कहीं ना कहीं जो है बड़ा हुआ है, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप हाईवे राइड्स करते हैं तो। उस केस में लॉन्गर व्हील बेस के साथ में इन टायर के साथ में आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। बात करें हेडलाइट की एंड इंडिकेटर्स की तो अब आपको इस बाइक पे मिलते हैं LED हेडलाइट एंड LED इंडिकेटर्स फ्रंट में एंड रियर में। बात करें ब्रेकिंग की तो इसमें आपको मिलते हैं फ्रंट में सिंगल डिस्क सेटअप एंड रियर में मिलता है आपको सिंगल डिस्क सेटअप ड्यूल चैनल ABS एंड इसमें आपको जो है स्विचेबल ABS मिलता है सिंस इट्स अ स्क्रैम्बलर बाइक। एज ए शेड इसमें आपको जो फ्रंट में टायर साइज है वो 19 इंच का मिल रहा है, आपको जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो बढ़ गया है एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से इस बाइक की जो सीट हाइट है वो हो गई है आपकी 830 mm। अपनी ट्रायम्स कैमरा में मिलती है 835, तो ऑलमोस्ट उतनी ही है। बाइक की जो सीट्स हैं वो मुझे ज़्यादा कुशनी फील हो रही है कंपेयर टू इंटरसेप्टर। अब देखते हैं इस बाइक का जो राइडिंग पॉस्चर है वो कैसा है, कि वो आपको प्रॉपर कैमरा वाली फील दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो दिस इज द राइडिंग पॉस्चर एंड जैसे मैंने बाइक साइड स्टैंड से उठाई, हाँ एक और चीज़ इसमें आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलता है एंड साइड स्टैंड जो है बहुत ज़्यादा झुका नहीं हुआ जैसे आपको मिलता है हिमालयन में, और वेट उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। ऑल दो ये जो इस बाइक का वेट है वो हिमालयन से ज़्यादा हैवी है ये, लेकिन आपको उतना वेट फील नहीं हो रहा। दिस इज़ नॉट टॉप हैवी बाइक लाइक हिमालयन। हिमालयन इज़ 200 kg बाइक, ये है आपकी 213 या 215 kg की बाइक है, बट आपको स्टैंड स्टिल से उठाने में उतना ज़्यादा टॉप हैवी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एनीवे बात करते हैं राइडिंग पॉस्चर की, तो इसके जो फुट पैक हैं आई कैन सी कंपेयर टू इंटरसेप्टर थोड़े से फॉरवर्ड हैं एंड मैं बात करूँ स्क्रैम्बलर वाली ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की तो ऑलमोस्ट वैसे ही राइडिंग पॉस्चर है। इसका जो इंजन है वो काफ़ी बल्की यूनिट है तो हल्के से बाहर की तरफ मेरे पांव जो हैं आ रहे हैं। एक चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि ये जो उसके फुटपैक है ये बिल्कुल टांग में अड़ रहे हैं मेरे, आई डोंट नो, बाकी चलाएंगे राइड करेंगे तो ज़्यादा मालूम चलेगा। एंड हल्के से जो फुटपैक फॉरवर्ड है उसका बहुत बेनिफिट है एक स्क्रैम्बलर बाइक में, एक तो ये काफ़ी रिलैक्स आपकी टांगों के लिए पॉस्चर है, सेकेंडली इस पॉस्चर के साथ में आप सैडलिंग ईजिली कर सकते हो, सो दिस इज़ वेरी गुड। तो राइडिंग पॉस्चर में आपके फुट पैक हैं उनकी पोजीशन अच्छी है, थोड़े से टांग में अड़ रहे हैं वो अलग बात है। एंड बात करें हैंडल बार की तो आपको सेम इस पे मिलती है हैंडल बार, सेम है ये आपकी इंटरसेप्टर वाली, इसमें आपको जो है राइजर्स मिलते हैं तो उससे इसकी जो रीच है हल्की सी मैं लीन फॉरवर्ड हो रहा हूँ। जैसे मैं स्क्रैम्बलर एक टिपिकल स्क्रैम्बलर की बात करूँ तो राइडिंग पॉस्चर उसके उससे हल्का सा लीन फॉरवर्ड है। आई विश कि थोड़ा सा और मेरी तरफ होता तो एक बेटर राइडिंग पॉस्चर बनता, बट ऑफ कोर्स उसके लिए ऑप्शन होती है आफ्टर मार्केट आप कर सकते हो, लेकिन वो होना चाहिए था। सो दिस इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा अग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर है इसका एंड यस आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एंड राइडिंग पॉस्चर अच्छा है। सीट अभी तो मुझे फिलहाल ठीक लग रही है एंड आई एम हैप्पी कि सीट जो है इन्होंने बेटर करी है कंपेयर टू इंटरसेप्टर, बाकी चलाएंगे तो मालूम चलेगा। एंड सस्पेंशन आई कैन फील कि जो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की सस्पेंशन है वैसी फील तो नहीं है, थोड़े से मुझे स्टिफर लग रहे हैं, बाकी ऑफ कोर्स ये जो है बहुत जल्दी हो जाएगी बोलना इस बाइक के बारे में, चलाओगे चलाने के बाद में जो है आपको एक्चुअल में जो है फील मालूम चलती है सस्पेंशन की। खासकर इस बाइक में आपको मिलते हैं एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर एंड क्लच इसका लाइट है जैसे आपको मिलता है इंटरसेप्टर में या फिर आपको मिलता है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर में, उससे हल्का सा हैवी है बट इट्स लाइट। सो राइडिंग पॉस्चर इज़ गुड। एंड बात करें पिलियन स्पेस की तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, सो सीट कंफर्ट आई कैन से हाँ थोड़ा सा जो है इम्प्रूव हुआ है नो डाउट। टैंक आपको सेम मिलता है जो आपको मिलता है इंटरसेप्टर में, आई थिंक 13.7 kg का है एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। आप सुनाते हैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट कि आपको वो इंटरसेप्टर वाली या फिर कॉन्टिनेंटल GT वाली टिपिकल 650cc का जो इंजन है RE वाली वो फील देता है या नहीं देता है। फील तो आ गई है, तो भाई है तो सिंगल एग्जॉस्ट नोट बट जो इसकी फील है जो थंप है
एटलीस्ट आई डोंट नो वीडियो में कैसी आ रही है, बट जो मैं फिजिकली फील कर पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जो इंटरसेप्टर वाली है, कॉन्टिनेंटल जेटी वाली है, वही फीलिंग है, कोई इसमें कमी नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों का ना डाउट होगा कि भाई सिंगल एग्जॉस्ट दे रही है तो वो थंप वाली फीलिंग जो है कहीं दब ना गई हो, बट वही फील है। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो एग्जॉस्ट है सिंगल एग्जॉस्ट, इसकी जो लुक्स है वो काफ़ी मतलब बढ़िया, मतलब मैचो टाइप लग रही हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं। एज अ शेयर, इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है आपकी 830 mm, जो कि उतनी है जितनी आपको मिलती है स्क्रैम्बलर में, आपको मिलती है उसमें 835। एंड आई एम 5'9" एंड आई कैन इजिली फ्लैट फुट, तो मुझे कोई दिक्कत होने रही है। एंड दिस इज़ नॉट अ टॉप हैवी बाइक एज ए सेट, तो अगर आपकी हाइट है 5'6" या 5'7" है, उससे ऊपर है, तो आप इस बाइक को सिटी में इजीली जो है मैनेज कर सकते हो, देयर इज नो इशू। बाकी चलाते हुए वेट फील होता है नहीं होता वो तो बाइक चलाऊंगा तभी बताऊंगा आपको मैं। कंपेयर टू इंटरसेप्टर इसमें एक और चेंज है, वो है मीटर कंसोल, जो कि आपको मिलता है सेम हिमालयन वाला, डिजिटल है, फुल डिजिटल है, जो आपको मिलता है हिमालयन 450 में एंड आपको मिलता है गरिल्ला में। दिस इज़ गुड मीटर कंसोल, थोड़ा सा लैगी है, आई डोंट नो ये इसमें जो है लैगनेस जो है कम हुई या नहीं हुई है, बट आई थिंक इसमें रिस्पॉन्स ठीक कर रहा है, दिस इज़ नॉट लैगी इन दिस एटलीस्ट। और दिस इज़ गुड मीटर कंसोल, एटलीस्ट आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके अंदर। एंड दिस इज़ लुकिंग गुड, इस बाइक के हिसाब से काफ़ी प्रोपोर्शनेट जो है लग रहा है ये। एंड ये जो क्रोम फिनिश है ना, ये बहुत ही प्यारी लग रही है भाई यहाँ पर जो, और लिप्लस हैंडल बार में है, दिस इज़ लुकिंग गुड, रियली गुड। यहाँ आपको साइड में जो मिल रहा है चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, दिस इज़ टाइप सी चार्जिंग विच इज़ गुड, और चार्जिंग पोर्ट तो होना ही चाहिए यार आज की डेट में बाइक के अंदर। बहुत ही लाउड हॉर्न है इसमें। इस बाइक में मुझे अभी देख के एज ए फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लग रहा है कि तीन चीज़ें अगर इसमें होती तो ये बाइक थोड़ी और बेटर फील होती। फर्स्ट इस बाइक के हैंडल बार, आई फील कि इसका हैंडल बार जो है थोड़ा सा और रेस्ड होना चाहिए था, बट एनीवे इसका भी सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, दिस इज़ नॉट ए मेजर थिंग। सेकंड है इस बाइक का वेट, कहीं ना कहीं वेट जो है इस बाइक का बहुत ज़्यादा कम हुआ नहीं है, 2 kg कम हुआ है। एंड बट ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी टॉप हैवी बाइक, लेकिन ये जो इंजन यूनिट है ये ऑलरेडी जो है काफ़ी हैवी है, तो आई फील कि बहुत ज़्यादा वेट को मैनेज करना जो है पॉसिबल रहा नहीं होगा। सो दिस इज़ सेकेंड थिंग, आई विश कि थोड़ा और कम होता, ऑलमोस्ट 200 किलो या 205 किलो के आसपास होता, बट एनीवे। थर्ड है इस बाइक का सस्पेंशन ट्रेवल, भाई सस्पेंशन ट्रेवल थोड़ा सा और ज़्यादा दे देते तो क्या दिक्कत थी, पर देखो यार सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू इंटरसेप्टर, एंड स्क्रैम्बलर से कम है, लेकिन आई एम हैप्पी कि दिस इज़ शोवा यूनिट, एंड शोवा यूनिट के सस्पेंशन जो है मैंने दिखाए थे आपको गरिल्ला 450 में, एंड क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन जो है वो मैटर करता है कहीं ना कहीं। अगर सस्पेंशन जो है अच्छी ब्रांड के हैं तो उसकी जो रिस्पांस रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड आपने जो लॉन्च वीडियो में BS650 देखी होगी उसमें और जो इंडिया में आई है उसमें एक डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ पर इंटरसेप्टर पूरा लिखा हुआ है, एंड जो वीडियोज़ में थी वहाँ पर था INT BS650। इसका जो राइडिंग पॉस्चर है एज ए सेट हल्का सा तो लीन फॉरवर्ड है ही, वो आपको जो आप राइड करते हो तो फील होता है, मैंने फर्स्ट जो फील है वो तो ले लिया इस बाइक की। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो कंपेयर टू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करें इस बाइक के प्राइस की, तो इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस जो स्टार्ट होता है वो है 3,40,000 rupees। आई फील कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बाइक का प्राइस एक्स शोरूम प्राइस वो कहीं ना कहीं 3.1 lakh या फिर 3.2 lakh के आसपास जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपकी जो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर बाइक है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 2,65,000 के आसपास, तो अभी इस बाइक का जो डिफरेंस है कंपेयर टू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर, ऑल दो इन दोनों बाइक का जो है कंपेरिजन बनता नहीं है, बट इस प्राइस रेंज में स्क्रैम्बलर बाइक दोनों ही हैं मार्केट में। बात करें पावर फिगर्स की, बात करें टॉर्क फिगर्स की, तो ये दोनों बाइक जो है आसपास हैं। एंड अभी जो इनका डिफरेंस हो गया है वो हो गया क्लोज टू 75,000 rupees, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड एक डिपार्टमेंट में रॉयल इनफील्ड को कोई भी कंपनी इस सेगमेंट में एटलीस्ट बीट नहीं कर सकती, वो है इस बाइक की जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी इनका डिज़ाइनर है ना यार, हैट्स ऑफ टू हिम, ये भी बहुत प्यारा कलर है। और एक और जो कलर है वो डिस्प्ले में है, आई जस्ट शो यू, ये है मेरे पीछे जो कि है ब्लैक, यहाँ पर थोड़ी लाइट कम है, इसका कलर का नाम समथिंग ब्लैक है, एंड दिस इज़ आल्सो वेरी गुड लुकिंग कलर। तो कलर सारे ही इस बाइक में बहुत प्यारे हैं, कहीं ना कहीं जो गरिल्ला बाइक थी उसके जो कलर्स थे उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जो उसमें कलर ऑप्शंस थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी नहीं, इतनी ज़्यादा अपीलिंग थी नहीं, बट इस बाइक में जितने भी कलर्स आए हैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। और ना वीडियो में देख के आपको इतना आइडिया लगता नहीं है कि आपको कलर कैसा लग रहा है एक्चुअल में, आप फिजिकली देखते हो ना तो आई कैन श्योरली से कि ये कलर आपको बहुत पसंद आने वाला है, एंड ये जो ब्लैक कलर है ये भी आपको जो है श्योरली बहुत पसंद आने वाला है। तो ये तो बात होगी बाइक की कि ये बाइक जो है कितनी डिफरेंट है कंपेयर टू इंटरसेप्टर, या फिर आप बात करें स्क्रैम्बलर की उससे कितनी डिफरेंट है, कितनी सिमिलर है। एंड आई एम ईगरली वेटिंग कि इस बाइक को मैं कब चलाऊंगा, अपना ओपिनियन जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। अब चला के मालूम चलेगा कि ये बाइक जो है एक्चुअल में स्क्रैम्बलर वाली फीलिंग दे रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक थोड़ी सी बेटर
इंटरसेप्टर है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, उससे बेटर है। तो जो भी मेरा ओपिनियन रहेगा मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा। बाकी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट, एक लाइक, एक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।